हेलो फ्रेंड्स, आम आदमी ब्रेन यूट्यूब चैनल ते तुहाडा स्वागत है। फ्रेंड, जेकर तुसी किसी भी पंजाब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिवें कि पंजाब पटवारी, एनटीटी, पंजाब पुलिस, जेल वार्डन, कोऑपरेटिव बैंक, ट्रिपल एस बी क्लर्क और लाइब्रेरियन, तो यह वीडियो तुहाडे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो के असी करंट जीके के नाल बहुत ही महत्वपूर्ण 20 MCQ करांगे। फ्रेंड, यही इस वीडियो का सैकेंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट के असी 1 तो लेके 50 तक MCQ कर चुके हाँ, तो इस पार्ट के असी 50 तो लैके नैक्सट 100 तक MCQ करांगे। सो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक जरूर वेखना। जेकर तुसी इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल में सबसक्राइब करो और नाल ही प्ले लिस्ट जाके अपने हर तरह के पंजाब कंपीटिशन एग्जाम की तैयारी संबंधी हर विषय दी महत्वपूर्ण वीडियो जरूर वेखो। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन साढ़े लवे, जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड, याद रखोगे जन औषधि दिवस 7 मार्च में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही विच केड़ी भारतीय महिला क्रिकेटर 100 एक दिवसीय मैच खेडन वाली खिडारी बन गई है? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व विच स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 जारी किया है, जिस विच भारत को स्वतंत्र देश तो अंशिक रूप विच स्वतंत्र देश की श्रेणी विच पा दिता गया है? तो फ्रेंड, 53 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, फ्रीडम हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किहड़े राज दे लाल चावल की पहली खेप नूं संयुक्त राज अमेरिका लिए रवाना किया गया है? तो फ्रेंड, बहुत ही जी आंसर आएगा जी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस साल नूं अंतरराष्ट्रीय मिलेट दे रूप विच अपनाया गया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता नूं साल 2021 के फीफा अवार्ड नाल सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2020 लई बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतया है? तो फ्रेंड, इसका आंसर बनेगा कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी संधू ने सर्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट विच रजक पदक जीत्या, किस टेनिस स्टार ने इस टूर्नामेंट विच स्वर्ण पदक जीत्या है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कैरोलिना मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत विच वोमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किहड़ा व्यक्ति हाल ही विच उत्तराखंड का नवा मुख्यमंत्री बनया है? तो फ्रेंड, आंसर आएगा तीरथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डसलिक 2 भारत अते किस देश दे विच एक सैनिक अभ्यास है? तो फ्रेंड, याद रखोगे डसलिक 2 भारत अते उज्बेकिस्तान दे विचकार एक सैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिला उद्यमियों लिए स्मार्टअप 29 प्रोग्राम शुरू किया है? तो फ्रेंड, आंसर आएगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विच भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली विच आयोजित की गई मेटाऊ पेलिकन रैंकिंग लड़ी 2021 विच किस भारतीय पुरुष पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत्या है? तो फ्रेंड, याद रखोगे स्वर्ण पदक जीत्या है बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचनांक 2021 विच भारत का की रैंक है? तो याद रखोगे कि भारत का 121वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लिए 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो आंसर आएगा जी ऑप्शन ए, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व किडनी दिवस कदों मनाया जाता है? तो फ्रेंड, 67 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मार्च महीने के दूसरे वीरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसनों 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षक के पैनल के प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, याद रखोगे कि गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू 2021 के संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षक पैनल के प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किहड़ा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो फ्रेंड, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बनेगा वेनजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रादेशिक सेना के कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाला पहला सेवारत सांसद बनया है? तो फ्रेंड, आंसर आएगा ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर।
फ्रेंड 20 क्वेश्चन हो चुके ने, सो वीडियो एंड तक जरूर वेखना। बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने जेडे कि थोड़े एग्जाम के 100% वेखन मिलेंगे। और नाल ही फ्रेंड जेकर तुसी अपनी मैथ की तैयारी में होर भी परफेक्ट करना चाहते हो तो मैथ का एक पेड कोर्स लॉन्च किया गया है जिस पंजाबी मैथ कराया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए 75-98-55-47 उपर वट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भिन्न भिन्न आयोजना की योजना बनाने लिए गठित की गई राष्ट्रीय अमल समिति का प्रधान कौन बने हैं? तो फ्रेंड आंसर बनेगा ऑप्शन बी अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एस्ट्रेक्स नामक अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अभ्यास करके इतिहास बना दिता है? तो फ्रेंड इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड लिए सरकार ने केड़ा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर बनेगा जी ऑप्शन डी मेरा राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस कंपनी नाल संयुक्त पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह मिशन दे लिए रडार विकसित किया है? तो फ्रेंड इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए नासा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के दे राष्ट्रपति ने अफ्रीकन लीडरशिप अवार्ड 2020 जीत्या है? तो 75 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन हेल्पलाइन नंबरों नूं लै के होने वाली असुविधा नूं दूर करने लिए भारतीय रेलवे ने हाल ही विच केड़ा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो फ्रेंड 76 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी 139। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दोबारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रधान चुने गए हैं? तो फ्रेंड 77 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्तावां दे अधिकारां दे सम्मान अते सुरक्षा नूं निश्चित करने लिए दुनिया भर विच विश्व उपभोक्ता सुरक्षा दिवस कदों मनाया जाता है? तो फ्रेंड याद रखोगे विश्व भर विच सुरक्षा उपभोक्ता दिवस 15 मार्च नूं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नूं भारत दा नवां मुख्य अंकड़ा विज्ञानी नियुक्त किया गया है? तो याद रखोगे जी पी सामंत नूं भारत दा नवां मुख्य अंकड़ा विज्ञानी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जेफ बेजोस अते एलन मस्क नूं पिछे छड़ के इस साल सब तो ज़्यादा कमाई करने वाला कारोबारी बन गया है? तो फ्रेंड आंसर आएगा गौतम अडानी। गौतम अडानी ज़्यादा कमाई करने वाला पहला कारोबारी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मार्च 2021 विच किस संगठन के पहले इतिहासिक आभासी शिखर सम्मेलन विच भाग लिया? तो फ्रेंड 81 का आंसर आएगा ऑप्शन बी कवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आज़ादी के किन्ने साल पूरे होने के मौके पर अहमदाबाद गुजरात विच आज़ादी का अमृत उत्सव वैबसाइट लॉन्च की है? तो फ्रेंड आंसर आएगा ऑप्शन ए 75वां। सो याद रखोगे कि इस बार असी आज़ादी का 75वां सम्मेलन समारोह मना रहे हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसनों संयुक्त राष्ट्र के एशियाई इन्वायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड नाल सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड 83 का आंसर आएगा ऑप्शन बी सस्मिता लैंडका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केड़ा देश यूएई नूं पिछे छड़ के भारत का दूजा सब तो बड़ा तेल पूर्तिकार देश बन गया है? तो फ्रेंड 84 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी अमरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पद्म भूषण नेहरू अवार्ड और ललित कला अकादमी वर्गे कई प्रतिष्ठावान पुरस्कारों नाल सम्मानित लक्ष्मण पई की मृत्यु हो गई है, यह एक प्रसिद्ध डैश सन? तो फ्रेंड याद रखियो कि यह एक प्रसिद्ध चित्रकार सन। नेक्स्ट क्वेश्चन साढ़े लवे, भारत लिए T20 क्रिकेट विच सब तो ज़्यादा विकेट लैन वाला गेंदबाज कौन बन गया है? तो 86 का आंसर आएगा जी ऑप्शन ए युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कि अंतरराष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक विच क्वालीफाइड कर लिया है? तो 87 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भारतीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय क्रिकेट विच 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है? तो 88 का आंसर आएगा ऑप्शन सी मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कदों मनाया जाता है? तो याद रखोगे हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला नमक चावल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 90 का आंसर बनेगा जी ऑप्शन ए बिहार। फ्रेंड्स 90 तक क्वेश्चन हो चुके ने, सो प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कौन T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बनया है? तो फ्रेंड याद रखोगे आंसर आएगा ऑप्शन सी विराट कोहली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान अते किस देश ने पूरे कोले तो हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो याद रखियो आंसर आएगा जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पूरे कोले तो हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने आईएसएल 2021 का खिताब जीता है? तो 93 का आंसर बनेगा जी ऑप्शन सी मुंबई सिटी एफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार डैश दुनिया विच सब तो प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो फ्रेंड आंसर आएगा नवी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 गैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली पहली महिला कौन है? तो फ्रेंड याद रखोगे 28 गैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली पहली महिला बियॉन्से नॉलेंस है। ऑप्शन ए इज द आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किस नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड याद रखोगे एम ए गणपति नु राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड जेकर तो वीडियो चंगी लग रही है प्लीज़ इस वीडियो लाइक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के तो टैलीग्राम इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल रहे हैं, उन्होंने जरूर ज्वाइन कर लो ता जो तो हर वीडियो का मैसेज और हर वीडियो की PDF मिलती रहे। ही मैथ की तैयारी के लिए साडा दूसरा चैनल जिसका नाम आम आदमी ब्रेन 2 है उसनों भी सबसक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन साढ़े लवे, हाल ही विश्व सेहत संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमरीका का पहला देश कहड़ा है? तो फ्रेंड 97 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी अल सेल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवा महानिदेशक कौन बनया है? तो फ्रेंड 98 का आंसर बनेगा ऑप्शन ए अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस साल कदों तक सारिया शाखावां विच इमेज बेस्ड चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को लागू करने लिए कहा है? तो फ्रेंड इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी 30 सितंबर। तो फ्रेंड साढ़े लवे 100th क्वेश्चन है, तेलंगाना के किस 7 साल के बच्चे ने अफ्रीका के सब तो उच्चे पर्वत किलीमंजोर नू फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी विराट चंद्रा। सो फ्रेंड ये थोड़े लिए बहुत ही इंपोर्टेंट 100 तक MCQ। नेक्स्ट वीडियो के 101 तो लैके 150 तक MCQ करांगे। सो वीडियो जेकर चंगी लगी इसमें लाइक जरूर कर दो, चैनल में सबसक्राइब करो, नाल ही वीडियो देखने तो बाद शेयर जरूर कर दियो और जो वीडियो तुम्हें तो स्क्रीन पर शो हो रही हैं एक बार उन्होंने जरूर वेखो। धन्यवाद स्टूडेंट्स।